खिलौना क्षेत्र में हुई समृद्धि, आयात घटा और निर्यात में हुई वृद्धि। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा उद्योग जगत की सहायता के लिए उठाए कदमों के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। पिछले 3 वर्षों में खिलौना आयात में 70% की कमी हुई है और इसके साथ ही भारत ने खिलौनों के निर्यात में 61% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2018-19 में भारत का जो खिलौना आयात $371 मिलियन था, वो 2020-21 में घटकर $110 मिलियन रह गया। इसके विपरीत वर्ष 2018-19 में जो खिलौना निर्यात $109 मिलियन था, वह वर्ष 2021-22 में बढ़कर $177 मिलियन हो गया। आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि से स्पष्ट है कि मोदी सरकार में भारतीय उद्योग न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। खिलौना उद्योग के विकास के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसमें टॉयस एचएस कोड 9503 पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाना, QCO को संशोधित करना, घरेलू विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करना तथा आयातित खिलौनों को गुणवत्ता परीक्षण में सफल हुए बिना बिक्री की अनुमति न देना जैसे उपाय शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मेड इन इंडिया खिलौने अब वैश्विक बाजार में छाने के लिए तैयार है और साथ ही घरेलू बाजार में अपनी खपत बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पूरा सहयोग दे रहे हैं। आयात घटे, निर्यात बढ़े, आत्मनिर्भर हो देश हमारा तेजी से आगे बढ़े।